हे गाइस, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज। एसएससी ने अपना जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको अभी रीशेड्यूल कर दिया है। कुछ बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि रीशेड्यूल हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ बेसिकली गुड न्यूज के बारे में। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं और फिर आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट बहुत वेरी करती है कि कब फॉर्म आउट होते हैं, कब एग्जाम होगा। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर जितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराने वाला है आने वाले एक साल के अंदर, मतलब 2023 तक के सारे एग्जाम्स के बारे में इसमें बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जो बेसिकली नोटिफिकेशन आया है वो एसएससी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैंने जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। और गाइज, अगर मैं इसमें कुछ फॉर्म की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो शुरू में आपको लगेगा कि ये तो फॉर्म निकल चुके हैं। जी हाँ, कुछ फॉर्म आपको स्टार्टिंग में लगेंगे कि निकल चुके हैं, लेकिन फोर्थ नंबर से आपको लगेगा कि हाँ भाई, हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमटीएस का हो गया, वो निकल चुका है, जिसका एग्जाम भी अभी चल रहे हैं जुलाई में। आपका फेस 10 हो गया एसएससी, वो भी निकल चुका है लास्ट मंथ मई के अंदर। नेक्स्ट है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जॉब का, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी फॉर्म निकल चुका है, मतलब उसकी लास्ट डेट 16 जून थी। तो नेक्स्ट में अगर आपसे बात करता हूँ नंबर फोर्थ की, तो इसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट चालू होगा, एडवर्टीजमेंट होगी, वो होगी 8th of July से। अभी हाल ही फिलहाल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो लास्ट डेट रहेगी इसकी रहेगी 29th of July। अक्टूबर में इसका आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ कि हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस AWO TPO। अगर आपके पास क्लास 12 के अंदर साइंस सब्जेक्ट था, फिजिक्स थी, तो आप इस फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। 8 जुलाई को ये फॉर्म रिलीज होंगे, इसकी भी लास्ट डेट 29 रहेगी और अक्टूबर में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जो कि आपकी सीनियर ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 कंडक्ट होगा आपका अक्टूबर 2022 में। इसके फॉर्म आउट होंगे 20 जुलाई और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 4th of August। नेक्स्ट आती है बात सब इंस्पेक्टर। गाइस देखो, एसएससी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम लेता है। दिल्ली पुलिस पहले खुद कंडक्ट कराया करती थी, लेकिन कुछ साल 2019 से ये एसएससी कंडक्ट करा रहा है सीपीओ के एग्जाम, जिसको बोलते हैं सीपीओ एग्जाम। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर की जॉब होती है। आपको बीएसएफ हो गया, आपका आपका एसएसबी हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, और दिल्ली पुलिस हो गया। जो भी सेंट्रल फोर्स होती है उसके अंदर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आउट होती है वो एसएससी के थ्रू होती है। आपकी जो इसके अंदर डेट दे रखी है फॉर्म निकलने की वो है 8th of August, एंड जो नेक्स्ट डेट दे रखी है आपकी एंड ऑफ जो आपके फॉर्म होंगे वो होंगे 30th of August, और नवंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपकी इंजीनियर, जो कि जो इंजीनियर फील्ड्स हैं, जो कि मैकेनिकल फील्ड्स हैं, उनका जो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आउट होगी गाइस, वो होगी 12th of August को, और 2nd of September तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नवंबर में आपका एग्जाम होगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट, जो लोग स्टेनो वगैरह करते हैं काफी मेहनत करके COD पोस्ट के लिए, आपकी 20th August को आपका फॉर्म आउट होगा, और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी 5th of September। अब आएगा CGL। तो CGL 2021 का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है टीयर 1 का, और जिसमें आपको मतलब टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो जिनका क्लियर हो गया है। अब टीयर 2 का जो एग्जाम है उसका अगस्त में कंडक्ट हो रहा है। अगर मैं CGL 2022 के बारे में बात करूं तो उसके फॉर्म आउट होंगे सितंबर में, 10 सितंबर से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 1st of October। एग्जाम होगा दिसंबर 2022 में। आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMT एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट जो आपकी आउट होगी 15th of September से आप फॉर्म भर सकते हो, और 3rd of October इसकी लास्ट डेट है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट MTS के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर MTS सिविलियन की जॉब आउट होगी, वो होगी आपकी 7th of October, जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31st of October। एग्जाम होगा आपका January-February 2023, मतलब 2023 में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ जो कि CHS का एग्जाम होता है, जो कि क्लास 12 बेस्ड होता है, जो कि SSC कंडक्ट कराता है। इसकी जो डेट दे रखी है गाइस वो है 5th of November से, लास्ट डेट है इसकी 4th of December। इसका एग्जाम फरवरी मार्च में कंडक्ट होगा। उसके बाद बात आती है आपकी कांस्टेबल GD, जो GD का एग्जाम होता है उसके लिए आपको 10th of December डेट है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट है 19th of January 2023। एग्जाम होगा March-April 2023 के अंदर। नेक्स्ट है आपका MTS का एग्जाम कंडक्ट होगा, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में चल रहे हैं, लेकिन ये 2022 वाले एग्जाम है, अभी 2021 वाले एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा सा लेट चलता है SSC हर बार, कोई नहीं।
25th ऑफ जनवरी से इसके फॉर्म आउट होंगे एमटीएस के, और जो लास्ट डेट रहेगी 24th ऑफ फरवरी, और अप्रैल और मई से आप 2023 में आपका इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर होगी लास्ट फोर्थ जो कि सबकी फेवरेट रहने वाली है, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आउट होगा, जो कि फॉर्म आउट होंगे 2nd of मार्च से, लास्ट डेट रहेगी इसकी 31 मार्च, अप्रैल मई में इसका आपका एग्जाम होगा। तो ये सारा पूरा कैलेंडर एसएससी ने रिलीज कर दिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गाइस देखो अभी से लग जाओ, अब ये मत सोचो कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि तैयारी सालों की होती है और एक दिन आपको उसका रिजल्ट मिलता है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम से अगर आप एक दो महीने पहले तैयारी करने बैठे गाइस, नहीं होती है तैयारी, टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक जॉब है वो भी गवर्नमेंट, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है दिन ब दिन, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, एग्जाम बहुत टफ आने लग गए हैं, अब तो एमटीएस का एग्जाम भी बहुत टफ आता है। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपको कौन सी वैकेंसी अच्छी लगी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि इसके बारे में और वीडियोस लेके आओ। बाकी जो भी इतनी भी मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया, जब भी इनके फॉर्म आउट होंगे मैं वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा जब ये फॉर्म आउट होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।